हे गाइस, व्हाट्सअप व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज सूर्यकांत कुरे। आप देख रहे हैं आजकल एडिटिंग जॉन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले 26 जनवरी फोटो एडिटिंग, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अली वीडियो पूरा देखेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो अभी काफ़ी वायरल चल रही है 26 जनवरी फोटो एडिटिंग, तो काफ़ी पास है, अभी आने वाली है 26 जनवरी। तो ये वाली फ़ोटो एडिटिंग, और कुछ दोस्तों ने मेरे को कमेंट किया था कि 26 जनवरी के ऊपर भी एक टॉपिक लाओ, तो मैंने ला चुका हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में को प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए यार, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया हूँ। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ वहाँ। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत लग गए थे मेरे को बैकग्राउंड PNG बनाने में, तो बहुत मेहनत लगे यार। तो और जो भी बैकग्राउंड PNG यूज़ किया हूँ उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, पिक्सार्ट ओपन कर लेते हैं अपना। एंड पिक्सार्ट ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने फुल HD बैकग्राउंड बनाया यार, तो काफ़ी टाइम लग गए थे बैकग्राउंड बनाने में मेरे को। ये वाली बैकग्राउंड बनाया मैं, फुल HD बैकग्राउंड है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड बनाया हूँ मैं यार। उतना अच्छा नहीं बनता मेरे से बैकग्राउंड, फिर भी मैं काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड बनाया हूँ आप लोगों के लिए। तो मॉडल को ऐड कर लेते हैं। मैं पहले से बैकग्राउंड इरेज कर चुका हूँ, आपको इरेज नहीं करना आता तो वीडियो के आई बटन में लिंक दे दिया रहूँगा मैं, तो उसको देख के कर लीजिएगा। तो मैंने कुछ स्टेप से इसको कर लेता हूँ, जो वीडियो के मॉडल के साइड पे थोड़ा शैडो आ रही है ना, वो शैडो को इरेज कर लेंगे। तो कुछ स्टेप से मैंने इरेज कर चुका हूँ, तो कुछ स्टेप से कर लूँगा इसको मैं अपने अकॉर्डिंग जमा लूँगा। तो मैं यहाँ से एक शैडो PNG दे दिया हूँ, मैंने शैडो को ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। एंड यहाँ से मोर डाउन कर दूँगा, एंड यहाँ से कुछ स्टेप से रहने देंगे, एंड यहाँ से डन कर लेंगे। एंड डन करने के बाद यहाँ से फिर से ये वाली PNG मैंने बनाई है, तो इसको कुछ स्टेप से पकड़ लीजिएगा। तो अपने हैंड को कुछ स्टेप से रख लीजिएगा, अपने स्टेप से मॉडल को क्लिक करा लीजिएगा अपने फ़ोटो को। तो मैंने कुछ स्टेप से रख लिया हूँ, तो यहाँ से मैंने इरेज कर, यहाँ से थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग और कर लेना। तो मैंने थोड़ा सा हार्डनेस कम एंड साइज़ को भी कम कर लेना, इरेज कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ाऊँगा, ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ से कुछ होने के बाद, यहाँ से डन करने के बाद, यहाँ से इंडिया सी की फ्लैग PNG ले लेंगे। तो इस पर कर लेना, तो मैं रोटेट कर लेता हूँ। अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ, थोड़ी सी छोटी कर लूँगा। एंड अपने अकॉर्डिंग सेट हो चुकी है, यहाँ से डन। एंड डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो, तो यहाँ से मैंने ये वाली PNG यूज़ की थी, तो यहाँ से बहुत टाइम लग गया था यार इसको भी बनाने में। यहाँ से ब्लेंडिंग से स्क्रीन कर लेना, जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसका हार्डनेस कम करके यहाँ से इरेज कर लेना। एंड जो फेस वगैरह पे आ रही हुई ना उसको भी, एंड यहाँ से कर लेना अपने अकॉर्डिंग डन। डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो, एंड यहाँ से मैंने टेक्स्ट PNG बनाया था ये वाली, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो कुछ टाइप से मैंने ऐड कर लिया था इसको, काफ़ी मस्त लग रही है यार ये वाली टेक्स्ट PNG। तो मैंने डन कर लिया, यहाँ से और एक PNG दे दूँगा मैं, तो ये भी बनाया था मैं ये वाली PNG।
तो कुछ स्टेप्स ऐड करने के बाद यहाँ से डन कर लेते हैं। एंड ये वाला तो ये पीएनजी को भी ऐड करते हैं। ब्लेंडिंग से स्क्रीन अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना इसको। तो मैंने स्टेप से सेट कर लिया हूँ इसको, कुछ स्टेप से फिनिशिंग आना चाहिए कुछ स्टेप से। डन डन करने के बाद यहाँ से ड्रॉ टूल से सेव कर लेते हैं। तो सेव हो चुकी फ़ोटो, यहाँ से फिर लाइटरूम में एडिट करते हैं, कलर एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ से ऐड हो चुकी है फ़ोटो यहाँ से, तो ऑटो कर लेंगे एंड अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे एंड हाइलाइट्स बढ़ाएंगे, कम करेंगे, शेडोज़ बढ़ाएंगे एंड शेडो थोड़ा कम बढ़ाना यार। कम ही बढ़ाना एंड यहाँ से थोड़ा वाइब्रेंस बढ़ा लेना पहले एंड मिक्स पे जाना एंड ऑरेंज की सैचुरेशन कम एंड लुमिनस बढ़ा लेना एंड यहाँ से ग्रीन की सैचुरेशन बढ़ा लेना, ह्यू को कुछ मत करना एंड ब्लू की सैचुरेशन एंड ह्यू कम कर देना एंड याली ब्लू की सैचुरेशन बस सॉरी सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेना, ह्यू को थोड़ा सा कम कर लेना 13 के आसपास। तो मैंने कुछ स्टेप से कर लिया सैचुरेशन 23 बढ़ा लिया एंड ये सब की ये सैचुरेशन माइनस पे रख लेना एंड यहाँ पे आऊँगा टेक्सचर बढ़ा लूँगा थोड़ा सा माइनस कर लूँगा एंड क्लियरिटी को बढ़ा लेना। तो मैंने क्लियरिटी को कुछ टाइप से रख लिया हूँ, थोड़ा सा और देना चाहो तो इतना कुछ दे देना। तो मैंने थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो यहाँ से वेगनेट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से एंड यहाँ से शार्पनेस दे देते हैं थोड़ा सा एंड नो डिटेक्शन एंड यहाँ से शैडोस नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो यहाँ से जाएंगे यल टूल पे एंड यहाँ से यली सिलेक्ट कर लेंगे कुछ टाइप से। तो मैंने कुछ टाइप से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो हल्का सा सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो शैडोस वगैरह थोड़ा सा माइनस पे ही रखेंगे शैडो को, ज़्यादा नहीं एंड वाइट्स थोड़ा सा बढ़ा लूँगा एंड हाइलाइट्स थोड़ा कम, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लूँगा थोड़ा सा, एक्सपोज वगैरह थोड़ा थोड़ा माइनस पे रख लेना थोड़ा एंड ब्लैक्स तो थोड़ा सा कम ही रखना एंड थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग रहने देना एंड यहाँ पे जाना एंड सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने कुछ टाइप से सेट कर लिया, तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं कुछ टाइप से ही सेट रखूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ूंगा एंड यहाँ से देख सकते हैं अपना अकॉर्डिंग, जहाँ आप रखना चाहो रख लेना जो आपका कलर लगे। तो मैंने कुछ टाइप से यहाँ पे रख लिया एंड यहाँ से सैचुरेशन देख लेना एंड टीन देख लेना, थोड़ा सा टीन माइनस पे रखूँगा मैं एंड टेम्प को थोड़ा सा कुछ टाइप से एंड टीम को देख लेना 6-6 रख लेना सब एंड यहाँ से जाना टेक्स्चर थोड़ा कम एंड क्लियरिटी दे देना थोड़ा सा एंड डॉर्स थोड़ा सा बढ़ा लेना ताकि ज़्यादा ब्लैक मत दिखे और नॉइस को थोड़ा सा बढ़ा लेना। तो यहाँ से डन कर लेते हैं, तो देख सकते हैं काफ़ी मस्त बन चुकी है फ़ोटो। तो पिक्सआर्ट के अंदर देख सकते हैं बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं थी एंड लाइटरूम के अंदर काफ़ी मस्त कलर एडिटिंग की है। तो सेव कर लेते हैं फ़ोटो को, तो सेव हो चुकी फोटो। आई होप आपको वीडियो पसंद, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वीडियो को प्रेस कर लीजिए और ऐसी वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सॉरी नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।